हेलो यो, मेरी दुनिया में खुश आमदीद ब्रो। इट्स अ चीप शो, ना को देनी पड़नी तुझको फी। एंड यू कैन सेट योर माइंड एट ईज, बस जस्ट अ क्लिक अवे। और तेरी स्क्रीन पे मेरे लाइफ लेसन्स, मेरी ट्रांसग्रेशंस। आई हैव टू मेक अ कन्फेशन, तुझे पता था कि सच्चे रास्ते अपनाने से पहले चोरी चकारी थी मेरी ऑब्सेशन। इट्स ट्रू। डज दैट बग यू? डू यू जज मी? Do I have your attention and for a small fee? I can show you the latest and greatest in technology. Mika 11T Pro. Charging mein sabko piche aaya hai chhod. 120 watts to the core. How could you want any more? Still one more? Living life with my wife on the upscale. Past the point in my life where I could fail. Diya kaam tune mujhe, maine diya pill. Sikhon se bhari jeb, jebon se kara trade. Kaam aisa diya jo ho payega na kabhi fade, kabhi. Just like my hero Sajjad Ali. Wall of fame mein to abhi nahi naam mera. Meri category ko tu kar define zara. You can define me, I can define you. And does it bug you? And do you judge me? And for a small fee, I can show you the latest and greatest of technology. Mika 11T Pro. Charging mein sabko piche aaya hai chhod. 120 watts to the core. Why would you want any more? I'm always on the go, life emotion में मेरे passion से निकलती ये devotion है, मेरी दुनिया में खुश आमदीद bro। इस वक्त हम हैं स्कर्दू में और बहुत से cool लोग हैं हमारे साथ। लोग तो cool हैं लेकिन थोड़ा सा गंद फैलाए बैठे। Just wow, look at this room, guys। इस वक्त हम हिमायल और उरूज के कमरे में आए हुए हैं, थोड़ा सा मेकअप शेकअप सीखने के लिए, थोड़ी सी lifestyle, Instagram। Am I getting this right? Model blogging करने के लिए? Am I getting this right? Not the model blogging part. They're not models. Everything else was fine, na? Yeah. Lifestyle Instagrammers. I was saying this is one of the most crucial parts of doing your makeup, putting on a even eyeliner. And mine is snatched. ये एक lipstick है और उसको मैं लगा रही हूँ और अब मेरा makeup हो चुका है और मैं तैयार हो जाऊँगी। बड़ी बात है अभी makeup की। कहाँ पे मेरी कॉन्टोरिंग करके मुझे ज़्यादा मर्दाना दिखाना है, किस एंगल से किस लाइट में मेरे चेहरे को दिखाया जाए तो मैं ज़्यादा खूबसूरत मालूम होता। यहाँ पे सबसे अच्छी लाइट आ रही थी वीडियो के लिए। डिवोशन है। और डिवोशन का मुजाहरा इस वक्त अली भाई भी कर रहे हैं। मैस टेक इज हियर विद अस, ही इज ऑल्सो गोइंग टू बी रिव्यूइंग द मी 11T प्रो, सो अभी उसकी 120 हर्ट्ज़ स्क्रीन चेक कर रहे हैं। डिवोशन है भाई। कैसी लगी शॉट? कैसे लेट के बना? डिवोशन है ब्रो। सुबह से प्रोडक्शन ने खाना नहीं खिलाया। खाना बहुत भूख लगी हुई। ग्रेवी बहुत ज्यादा है। ग्रेवी ज्यादा थोड़ा ड्राई होना चाहिए। थोड़ा ड्राई होना चाहिए था। खाना अच्छा हो ना हो, हमारे पास जो फ़ोन है इस वक्त वो बड़ा ज़बरदस्त है और उसकी नज़रों से हम आपको इस फजूल खाने की शॉट्स सेक्सी वाली दिखाएंगे। वाह, सिनेमैजिक। कैसा खाना वासिफ? और हम सेम कलर पहन के, चाचा ने भी सेम जैकेट पहनी है। बीमार हूँ ना इसलिए फल खा रहा हूँ मैं। फल खा रहे हो? पेट हेल्थ। क्या बीमारी? क्या कोरोना तो नहीं? नहीं मेरा दिल की बीमारी है, मोहब्बत की। इसीलिए आप इतनी अच्छी फैशन फोटोग्राफी भी करते हो, मोहब्बत से निकलती है? मोहब्बत में दिल टूटने के बाद निकलती है। ये जरूरी है। आपने सुन लिया जी के फैशन फोटोग्राफी करने के लिए दिल तोड़वाना जरूरी है। दिल तोड़वाना जरूरी है।
और उसके 101 तरीके में आप लोगों को बता सकता हूँ, तोड़वाना हो तो बताना। दिल तोड़वाने का तो नहीं, लेकिन और चीजों का इंतजाम किया जा सकता है मिस्टर पांडे। I can get you taser, उससे शायद और भी बेहतर फैशन फोटोग्राफी निकला है। नहीं नहीं, ये क्या चीज है जो आपने पकड़ी हुई है? टेजर क्यों रखा हुआ? Citizens of Pakistan are not safe. We don't feel safe traveling or doing anything in Pakistan alone. So we have not brought safety weapons with us. Gun rakh le phir. It's a sad state of affairs. But chala di. हाँ, sad तो है वैसे और drone भी है थोड़ा। मगर खैर, हम आपको music video के director of photography से मिलाते हैं, अबू बकर। Music video भी Mi 11T Pro पे shoot कर रहे हैं। इसका cine magic check करने के लिए। हाई डायनामिक रेंज के लिए इसके अंदर एक लॉग मोड भी है जो क्वाइट ग्रेडेबल है एक्चुअली। साउंड में भी भाई हल्के नहीं आए, हरमन के कार्डन को साथ लाए अपने। एक अच्छा फोटोग्राफर बुरी तस्वीर लेने का इल्ज़ाम कभी कैमरे पे नहीं डालता। कैमरा सिर्फ एक टूल है जिससे आपने अपना विजन दिखाना है। ये तस्वीर वासिफ की आंख की ईजाद है, और जबकि वासिफ मोटी बड़ी और लंबी लेंजेज इस्तेमाल करने के आदी हैं, He doesn't let technology get in his way, because the man's got vision, and when he sees a frame, he just has to capture it. Just like Hamza Bhande, or me for that matter. I feel like my frame capture to acha kar leta, lekin bhai ke pose thode weak hain, seekhna chahiye. Kya tum phir video bana rahe ho na? I don't know how to model, so I'm learning. Give it to me. Chinab, more. Look to your right. Look to my right. Yeah, a little more up. Upar dekho. Yeah, like that. Kya baat? Kya baat? Kya baat? Pose banane mein abhi thodi behtri ki gunjayish hai mujhme. And who better to teach me than Himayal and Uruj? I need to find out which side of my face is the better side. I need to learn how to catch the light just right. And to make it look effortless. वाह, लाओ भाई, मेरी बारी। बांडे का फ्रेम मी 11T पे, और आपका भाई स्कर्दू के कटपना डेजर्ट के दिलकश नजारे में। यहां बहुत ड्राइनेस होती है, मौसम सर्द और गर्म के दरमियान झूलता सा रहता है, और आपके लिप्स और आपका गला ड्राई हो जाते हैं, और पानी की जरूरत पड़ती है। तो अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की जो कॉस्ट है बनाने की, जो घर बनाने की, वो क्या रेट है उसका? क्रश आते सर आपको 5,000 रुपए का 100 फुट। और मजदूर कितना मजदूरी लेते हैं, मिस्त्री कितना? 1400 रुपया। सस्ता है, मगर जब से इंटरनेशनल एयरपोर्ट और रोडें बेहतर बनी हैं तो महंगा भी होता जा रहा है। इस होटल की मिसाल ले लें, इसका नाम है ब्यारसा। सुना है कि 29 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, और एक दिन के लिए एक कमरा यहाँ पे 30,000 रुपये में मिलता है। जहाँ डेवलपमेंट हो रही होती है वहाँ पर अपॉर्चुनिटी बड़ी होती है, और अगर आप रियल इस्टेट गेंस का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप इस वक्त स्कर्दू में लैंड ख़रीदना चाहेंगे। लोगों की 2 लाख रुपए की ली हुई जमीन कुछ ही सालों में 20 लाख रुपए की यहां पे हो चुकी है। 10x रियल एस्टेट गेन्स इन जस्ट अ फ्यू इयर्स। अंदर के चिन्योटी को कुछ मुस्तकबिल में नजर आ रहा है। हाँ, आपका तारुफ कराते हैं म्यूजिक वीडियो की फीमेल लीड से, यशमा गिल। लगता है इनसे एक्टिंग भी सीखने को मिलेगी। ऐसी कौन सी पाकिस्तानी एक्ट्रेस है, ऐसी कौन सी पाकिस्तानी एक्ट्रेस है जो कि पानी में सांस ले सकती है? आपको जवाब पता है ना? अच्छा मैं बता दूं, मैं बता देती हूँ ना, यशमा गिल, क्योंकि गिल है मेरे नाम के अंदर डीप। तुम अच्छी लग रही हो यार। हाँ, आई थिंक आई गेट इट। आपने अपने अंदर एक वाइब, एक फील महसूस करनी होती है, और वहां से ही सारी पोजिंग और एक्टिंग निकलती है। हम मिल चुके हैं ना पहले, है ना? कुछ याद सता रहा है, हाँ है ये वही जगह, हुई थी कहीं
यहीं पे हमारी पहली मुलाकात, कुछ तो कब के जा चुके हैं और कुछ है अब भी मेरे साथ, कुछ हमेशा के लिए है और कोई दो पल का है यार, मगर सबको याद तो याद है और राह गुजरते वो पत्थर फेंक रहा है, पत्थर मार रहा है यहाँ तक आ गया पत्थर यार। थर्ड डे ऑफ द म्यूज़िक वीडियो शूट, और जबकि मुझे थोड़ा सा बुखार हुआ है और लगता है ज़ुकाम हो गया, मेरी स्पिरिट्स बहुत हाई हैं क्योंकि म्यूज़िक वीडियो रैप हो गई है और बहुत बेहतरीन तजर्बा था, बड़े बेहतरीन किस्म के लोगों को मिला। और ताजुब की बात यह कि जिस मौजू पे मैंने गाना लिखा था, मेरी ज़िंदगी, जिसके अंदर मैसेज ये था कि ज़िंदगी में मानी दोस्तों से मिलता है, जिन लोगों से आप मिलते हैं, जिनसे रिश्ते बनाते हैं उससे आपको मानी मिलता है, वही इस म्यूज़िक वीडियो में हुआ है। बहुत से बेहतरीन लोग मिले हैं, बहुत से नए रिश्ते बने, बहुत से लोगों से सीखने को मिला है। तो उम्मीद है आपको म्यूज़िक वीडियो भी पसंद आई और ब्लॉग भी पसंद आएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। सारी म्यूज़िक वीडियो मी 11T प्रो पे शूट हुई थी। यू कैन बी द जज ऑफ द क्वालिटी योरसेल्फ। खैर निकलता हूँ, फिर मुलाकात होती है। मूव आउट।